निजगजयान् राश्यभोगान् सर्वेषान् पश्चाज्ञान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनैः स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः आत्मवशोधनस्त्रीय
यहाँ पे जो संभूति की उपासना को निंदा किया गया है, इससे लगता है संभूति संभूति मतलब संपूर्ण ऐश्वर्यवान व्यक्ति जो पहले उत्पन्न हुआ सृष्टि में हुआ है हिरण्यगर्भ, संपूर्ण ऐश्वर्यवान व्यक्ति जो पहले उत्पन्न हुआ वह है हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ रूप में ही जो श्रुति उपासना निषेध कर देता है। बाकी अन्य देवी देवता तो सब इसी का जो है विस्तार है। जब मूल जो कारण है वो सबसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति प्रधान मर्ग मतलब इस पक्ष में सबसे बड़ा लड़ने वाला है उस ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को ही यहाँ पे श्रुति आपके अभिषेक कर देते हैं। तो अन्य अन्य देवी देवता को उपासना तो क्या बात है, तो आपने नहीं समझा ऊपर उपनिषद के तात्पर्य को आपने नहीं समझा, क्यों क्या हो गया उपनिषद में? तो यहाँ पे जो है उपनिषद में निंदा करना तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर समुच्चय करना तात्पर्य है। इसमें तात्पर्य है समुच्चय, किसके साथ समुच्चय में ठीक है अगर सही बोल रहे तो किसके साथ समुच्चय करने के लिए बोल रहे हैं? संभूति के बिना समुच्चय ये तो और घटिया चीज कर आप, मैं बोला कि हम कोई कल डिस्काउंट दे रहे थे, कोई आया यहाँ पे बैठना चाहता है, हमने कोई बोला नहीं था उधर जाके बैठे, बैठने में मना नहीं है, बात ये है कि आप यहाँ बैठने के रूप में नहीं, आप उधर आगे खर्च करके बैठे। इसी प्रकार संभूति का जो है जो उपासना विधि नहीं है कि उसका समुच्चय करके है, किससे उससे घटे कर्म के साथ समुच्चय करके पहले संभूति कर्मों के साथ समुच्चय करके दिखा, मतलब जो अविद्या क्षेत्र में विद्यमान जो अज्ञान के कारण होता है। इस प्रकार से प्राणी के अंदर थोड़ा सत संस्कार लाने के लिए श्रुति जो क्या करते हैं कि उसको कभी कर्मों के लिए बोलते हैं, कभी उपासना के लिए बोलते हैं, कभी कर्मों के साथ मिलकर उपासना करो, ऐसा बोल करके इनको पहले बोल कर गाए कि आश्रमा देविदा ही नृष्ट दुष्ट उपासना पदिष्ट मैंने बोल कर उसी को मन लेगा। यहाँ पे ग्रंथ का जो है व्याख्या करते देखिए श्रुति के तात्पर्य को थोड़ा समझने का कोशिश करें। श्रुति वाक्य को सामान्य अर्थ एक होता है परंतु अभिप्रिय तत्व भिन्न होते हैं, उसको मन में रखते हुए हमें अब इस जैसे कि हम लोग भाष्य को देखिए हमारे गोल पटक चाले को लिए अथवा ये हमारा गैस को बोली वो व्यास के जो है हस्तिनापुर के आसपास को और बहुत पता चल गया तो बंगाल में गोल से उदयपुर के पास है जो गोल के यहाँ के मतलब उत्तर भारत के फैल करते हैं और भगवान भाषा दक्षिण क्षेत्र दक्षिण भारत में कान्हा भाषा का अधिक चलता था और यहाँ पे माध्यम भाषा का अधिक चलता था, सिर्फ भगवान भाषा का कान्हा भाषा के ऊपर ही भाषा ली और यहाँ पे बहुत पता चल गया है तो माध्यम भाषा को लेकर के बोलते हैं कोई ये नहीं है क्यों ऐसा हो गया। तो उसके विचार करने से भी हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा विचार करने से लगता है कि वैष्णव जी हस्तिनापुर स्पष्ट उत्तर उत्तर भारत ही नहीं होता जो दिवाली करने को और बहुत बड़ा चल दिया तो बहुत जैसे बिहार में एक जयपुर के आसपास तो इनमें से कहीं भी होंगे इस उत्तर उत्तर भारत में रहने को समय यहाँ पे माध्यम दिन शाखा का प्रचलन और भाष्य का दक्षिण भारत का कान्हा शाखा का भी प्रचलन तो कान्हा शाखा के ऊपर जो है भगवान राम जी का भाष्य लिखते हैं माध्यम की शिक्षा के आधार पर हमें बोलते हैं इसमें तो जिसको इस शाखा को करना है। यहाँ पे जो बोला गया है कि संभूति अपवादन या संकल्प उसके प्रतिपूर्ण पूरा पढ़ लिया जाएंगे बने तो इसके ऊपर भाष्य देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पर भाष्य में कारण ओम एनम जनयादि कारणम प्रतिषिद्ध ये विभिन्न आया हुआ है समस्त ब्राह्मणों से पूछा क्या पूछा कि ये जो मरणशील जीव है जो मृत्यु के द्वारा घेर लेते हैं तो वो किस कारण से पैदा होते हैं कैसे कहाँ से पैदा होते हैं जैसे वृक्ष अपना मूल से पैदा होते हैं या गया ये किससे पैदा होता है ऐसा करके शंका करने के बाद फिर थोड़ा सा नहीं हम उत्तर पूरा बोल के दिए पूरा बोल देते हैं कि तब बोला कि
न जायते कुल एनम जनयत पुनः, तो पहले से ही विद्यमान है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती, इसको कौन पैदा कर सकते, कारण को निषेध कर दिया गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कारण प्रतिषेध ही ना तब अपस्तुत्व सिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे कारण का ही निषेध कर दिया गया, इसके पीछे कोई कारण नहीं है और वो भी किसी का कारण नहीं है, क्योंकि उसकी वो पारमार्थिक न्याय से ऐसा सिद्ध हो जाने पर यथत्व अर्थ सिद्धि, यथत्व अर्थ मतलब जो अद्वैत पारमार्थिक अद्वैत पारमार्थिक है ये सिद्ध हो जाता है, इसकी आहो उसी को मन में रखते हुए ग्रंथकार बोलते कौन ये नाम जनयादि कारण प्रतिषिद्ध थे, कौन उसको पैदा कर सकते, इसमें उसमें कारणता की निषेध की जाती है, कारणता की निषेध की जाती है। अब भी है श्लोक में आय भी है संभूते अपवाद संभव प्रतिषिद्ध थे, उसको लेकर के टीकाकार बोलता है पूर्वार्थम व्याकरोती, पूर्वार्थम क्या है श्लोक का, हाँ अब एक सा श्लोक को पढ़ते हैं संभूते अपवाद संभव प्रतिषिद्ध थे पूर्वेनम जनयेदिति कारणम प्रतिषिद्धते, जब बोलते अंधम तमिति इस बंद में पढ़ना पड़ेगा, अंधम तम प्रविशंति ये संभूति उपासते, तो देखिए यहाँ पे ये के बाद संभूति लिखा पुस्तक में देखिए वहाँ पे इतने आपका मूल श्लोक जो भाष्य की पंक्ति में ईशा भाष्य जब भी आपने उस श्लोक को उद्धित किया, ये अंधम तम प्रविशंति घोर अंधेरा में प्रवेश करते हैं कौन, ये संभूति उपासते, ठीक है यहाँ पे एक अवग्रह भी लग सकते हैं, एक अवग्रह लगा देंगे हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले पहले जमाने में अवग्रह के कुछ नहीं था, ये असंभूति उपासक असंभूति असंभूति मतलब ईश्वर तक अव्यक्त प्रकृति अव्यक्त प्रकृति असंभूति उत्पत्ति नहीं होती, असंभूति मतलब विलंब गई उत्पत्ति होती है, इंद्र को समुचय कहा है, यहाँ पे हम संभूति ही लेंगे संभूति संभव इति अंधम तम प्रविशंति और घोर अंधेरे में प्रवेश करते हैं, जो लोग खूब ऐश्वर्यशाली वस्तु उत्पत्ति के पहले सृष्टि के पहले जगह उनकी उपासना करते हैं ऐसा करते हैं, यदि संभूति उपास्य अपवादा, इसलिए संभूति का जो उपास्य है इसको निषेध करते हैं, उपास्य कर्म संभूति में नहीं है, अंधम तम प्रविशंति ये संभूति उपासक है, यानी कि संभूति में जब उपास्य कर्म को निषेध किया जा रहा है, ठीक है ना, संभूते उपास्य अपवाद संभूति में उपास्य धर्म का निषेध कर देने के कारण संभव प्रतिषिद्ध थे, यानी कि वो यदि पारमार्थिक कोई वस्तु होता सृष्टि हुई होती तब जो है उसको उपासना के निषेध नहीं करते, परंतु उपासना के निषेध कर दिया गया, इसलिए संभव मत उत्पत्ति होने संभव नहीं उसको निषेध कर दिया, बोलते हैं नहीं परमार्थक संभूताया संभूतों तक अपवादों को बदलते, ठीक है ना, ये कमा लगा तो बात होती नहीं परमार्थतः संभूताया परमार्थतः संभूताया, यदि पारमार्थिक सृष्टि हुई होती है ना उत्पत्ति हुई होती तब क्या होता है संभूतों तक अपवाद न उपबद्धते, क्योंकि यदि परमार्थतः संभूताया मेरे पारमार्थिक दृष्टि से यदि उत्पत्ति हुई होती तो क्या हुआ संभूतों तब अपवाद न उपबद्धते, संभूति की जो उपासना संभूति में जो उपासना के बिना किया गया था उसका श्रुति निषेध नहीं करती, उसको श्रुति निषेध नहीं करती, वहाँ पर देखिए एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ता है संभूतायाम मतलब कार्य जातायाम पारमार्थिक यदि कार्य कार्य में यदि पारमार्थिक धर्म हुई होती क्योंकि अपने पूर्ति बाजार विकार होना कारण तो विकार मात्र है नाम भी है, इसलिए बोलता है यदि पारमार्थिक सृष्टि हुई होती संभूत आया मतलब है तो इसका क्या होता कि यहाँ पे इसकी निषेध नहीं करते न उपद्रव्य उसकी निषेध करना संभूति की उपासना को निषेध करना युक्ति संगत नहीं होता, तो अपवाद मत संभूति को निषेध कर देना युक्ति संगत नहीं होता, पूर्ववादि बोलते हैं अजय पूरा उपनिषद को अर्थ को ठीक से समझ के पूरा करो क्या सुविधा है ननु विनाशेना संभूते समुच्चय विध्यत् संभूति अपवाद विनाश के साथ संभूति का उपासना को मिल करके करना चाहिए ऐसा विधान करने के लिए अकेला संभूति उपासना का निषेध किया गया,
अकेला संबोधित से भगवान श्री कृष्ण बोलते देखो केवल कर्म मत किया करो, कर्म के साथ थोड़ा सा भगवान की भी चिंता नहीं करो, तो भगवान की चिंता किया करो तब करो भगवान में अर्पण करना सीखो, तो फिर कर्म मन से नहीं मांगोगे। यह भी श्रुति ऐसे ही कहना चाहती है कि जो संबोधि मत करो वो उपास है, तो क्या है कि उस अकेला उपासना आप कर नहीं पाओगे शुरू में, इसीलिए आप कर्म के साथ मिलकर के उपासना करो। ऐसे श्रुति की अभिप्राय है किस देवों में आप जानो बिना से नमक नाम बिना शब्द का अर्थ हो जाएगा कर्म, बिना सेना संभूति एक तृतीयांत षष्ठी अंत संभूति का समुच्चय विधि अंत समुच्चय विधान करने के लिए संभूति अपवाद संभूति मसना का निषेध प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पे कैसे निषेध किया गया तब बोलते हैं यथा अंधम तम प्रविशंति जो विद्वान उपासते है ना, जैसे भाष्यकार को क्या दिखाई दे रहा है जो आपने मतलब कान शाखा के ऊपर भाष्यकार जो भी लिखे पहले जैसे जैसे बोलते मतलब इसके पहले जो आया हुआ है अंधम तम प्रविशंति जो अविद्या उपासते तपो भूय इंगते तम जरु विद्याया पुनरता, इसलिए क्या है अन्नदेव अहुर विद्या अन्नत अहुर अविद्या इति सुष्टुम धीराणाम जे नस्तत परिलक्षे, अब दोनों का अलग अलग फल दिख रहा है फिर दोनों का आपका समुच्चय का विद्याम च अविद्याम के कश्चन भेद उभय पुंस अविद्या मृत्युत्वा विद्या अमृतमस्तु, यहाँ पे अविद्या शब्द होते हैं कि आपने कर्म शास्त्रीय कर्मों के माध्यम से अपनी प्रकृति का अनुसरण करने वाला जो मृत्यु है इसको पार करके अपने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त शास्त्रीय कर्मों के माध्यम से अपने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करके फिर ये कहते विद्वय अमृतम अस्ते, तो उपासना के द्वारा आप क्या कर रहे हैं आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त कर रहे हैं, कर्मों के द्वारा शास्त्रीय कर्म के द्वारा अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करके उपासना के द्वारा फिर आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति घोर अंधेरे में जाता है जो अविद्या की उपासना करने की थी, फिर इसी प्रकार यहाँ तो संभूति व्यक्ति तो विद्या अविद्या समुच्चय करने के लिए बोला, इसी प्रकार संभूति और विनाश मंत्र संभूति इंद्र को समुच्चय करने के लिए बोलाई थी सत्यम कैसे ही कहा अस्वीकार नहीं करते इस बात को, परंतु जरा विचार करके तो देखो इसके साथ समुच्चय करने के लिए बोलते हैं इस जगह पर विचार शुरू का बोलते हैं इसके साथ समुच्चय करने के लिए बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है, इसके साथ समुच्चय करने के लिए बोला जा रहा है क्यों बोला जा रहा है, आप ये सोचो ठीक बोला समुच्चय मानते हैं इसको ये बोलते हैं देवता दर्शन से संपूर्ण विषय से विनाश शब्द वाच्य से कर्म न समुच्चय विधान संभूति अपवादम, सब आपने सही बोला कि ये देवता उपासना देवता दर्शन सुंदर उपासना देवताओं की उपासना का जो संभूति का विषय है संभूति विषयस्य जो संभूति समस्त देवी देवते आ जाते हैं संभूति का विषय जो बनता है देवता देवता की उपासना उसका उसका क्या किया विनाश शब्द वाच्य से कर्म विनाश शब्द द्वारा किसके साथ बोला कर्म विनाश न मृत्यु ऐसा पंक्ति आते हैं वहाँ पर, यहाँ पे विनाश शब्द के द्वारा उसकी समुच्चय करने के लिए बोला विनाश मतलब क्या है कर्म विनाशी कर्म होते हैं कर्म कर्म से बोलता है विनाश शब्द वाच्य से च कर्म विनाश शब्द का जो वाच्य है वाच्य हो गया विनाश है उसका वाच्य हो गया कर्म, इसलिए होते कर्म न समुच्चय विधानार्थ उसको एक साथ करने के लिए एक साथ करो तब लाभ है, इसलिए संभूति अपवाद इसलिए केवल उपासना का निंदन किया गया है ऐसा मानते हैं हमको। तथा फिर भी जरा जरा सोचो इस चीज को कि तथापि विनाशाख्यस्य कर्मण स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य मृत्यु अतिकरण अर्थत्ववत् देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य पुरुष संस्कारस्य कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधन कृष्ण दय लक्षणस्य मृत्यु अतिकरण अर्थत्ववत् ध्यान करते हैं एक छात्र है मतलब ये वस्तु मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और इसके लिए ये साधन जब तक ये हम हमारे रहन में रहेगा तब तक हम मृत्यु के घेरे में ही रहेंगे, बोलते देखो साध्य साधन यशना दया दो यशना होता है फिर बाद में पढ़ेंगे एक ही यशना दो यशना क्या है एक साध्य वस्तु की यशना एक साधन यशना, ये वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा
पहले तो बताया कुलकृष्ण है, कुलकृष्ण है लोकेशन, उसको हटा दिया, इसको फिर दो मिलाया, फिर दो दो क्या हो गया, एक साध्येषण एक साधनेषण। अब साध्येषण को बाद में होता है, पहले किसके शरण हो गया, साधनेषण। ये जब तक ये साधनेषण रहता है वही उसी को बिंदु शब्द के द्वारा कहा गया। इस बिंदु के इस भाव को मन से निकालने के लिए, इस भाव को मन से निकालने के लिए ऐसा कहा गया है। ये मृत्यु अभिचरणार्थ देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, तथापि फिर भी बिना साक्ष्य कर्म, मतलब विनाश नामक जो कर्म यहाँ पे कहा गया, स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से, क्यों कर्म प्रवृत्तियाँ क्यों होते हैं, स्वाभाविक अज्ञान से अविद्या काम कर्म, अज्ञान अज्ञान से वासना, वासना से कर्म, जब तक ये कर्म प्रवृत्ति है तब तक अज्ञान की जो है वहाँ विद्यमान से बोले स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से कौन है, कर्म न षष्ठी है उसका, उसका अर्थ करते हैं दो नंबर टिप में स्वाभाविक यदि अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप से स्वाभाविक होते हैं ना, दो प्रकार की, एक होता है स्वाभाविक प्रवृत्ति जन्मांतरीय कर्म समारंभ संस्कार है तद अनुकूल व्यवहार करते हैं, एक होता है शास्त्रीय प्रवृत्ति, एक होता है शास्त्रीय प्रवृत्ति। अविद्वया मृत्यु तीर्था विद्वया अमृतम अस्मृत, इसका अभिव्य तत्व मतलब भगवान भाष्यकार जो लिखते हैं अविद्या मतलब शास्त्र विहीन कर्म, अविद्या मतलब शास्त्र विहीन कर्म, शास्त्र विहीन कर्मों के द्वारा मृत्यु विद्वया मृत्यु तीर्था, मृत्यु मतलब अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करके, समझ में है हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, जब हम शास्त्रीय कर्म करें तब हमारे अंदर शास्त्रीय प्रवृत्ति आएगी, तो स्वाभाविक कैसे गतानुगतिक लोचा कैसे हम चलते रहते, अविद्वया मृत्यु तीर्थ मतलब ये शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने तो शास्त्रीय प्रवृत्ति के डालो भी कोई मृत्यु है, इसलिए बोलते हैं स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य मृत्यु, स्वाभाविक अज्ञान से जहाँ प्रवृत्ति होता है उसी को मृत्यु। अतिकरणार्थत्व पर जैसा वहाँ पे इसको अतिक्रमण करने के लिए मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति को पार करने का उपाय के रूप में वहाँ पे शास्त्रविद कर्मों को विधान किया गया, ठीक इसी प्रकार यहाँ से देवता दशा पे कोमा करते हैं, एक ये हो गया एक दृष्टांत का दृष्टांत में घटा करके दिखा गया, और दृष्टांत दृष्टांत दोनों ही उपनिषद में है, पहले दृष्टांत भाग लिया वेद अविद्या, दृष्टांत भाग संभूति अविनाश, दृष्टांत भाग गया विद्या अविद्या, दृष्टांत भाग क्या हो गया संभूति और विनाश। अब जो दृष्टांत भाग में जैसे कहे हैं कि वहाँ पे अविद्वया मृत्यु तीर्था विद्वया अमृतमस में जो अविद्या से लिया गया है कि आपका शास्त्र विहित कर्म, और उस शास्त्र विहित कर्म के द्वारा आप क्या करते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति को कर विजय करते हैं, है ना, इस इसी को मृत्यु शब्द के द्वारा कहा गया मृत्यु अतिकरण तत्व, इस प्रकार इस प्रकार शास्त्रीय कर्म के द्वारा हम स्वाभाविक प्रवृत्ति को अगर विजय प्राप्त कर सकते हैं उसको पार कर सकते हैं, उसी प्रकार से वर्तमान उसी प्रकार से देवता दर्शन कर्म समुच्चय, ठीक है ना, क्या हो गया ईश्वर उपासना साथ में शास्त्र विहित कर्म, ईश्वर उपासना शास्त्र कर्म पुरुष संस्कार अर्थ से आप हमारे अंदर क्या करते हैं, हम एक नया संस्कार जानते हैं, हर कर्म भगवान को विचार करने चिंता करने का हम कभी नहीं करते हैं, परंतु ज्ञान की तुलना में ये भी घटिया है, इसके लिए बोलते हैं यहाँ पे पुरुष संस्कार अर्थ से कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से कर्म और उसके फल के प्रति ये राग और उसके लिए जो प्रवृत्ति बने, ठीक है, शास्त्रीय कर्म का फल प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब शास्त्रीय कर्म से जो फल प्राप्त होना उसको प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उसी के प्रति जो आपकी आवश्यकता वो क्या करेगा, एक शास्त्रीय कर्म का फल भोग करने के लिए नया शरीर देगा आपको, शास्त्रीय कर्म का ही फल भोग के नया शरीर देगा, इसलिए बोलते हैं कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य, तब उसके लिए हम क्या करेंगे साध्य, मतलब हम किस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे पहले साधन को रूप में शिला सूत्र रखेंगे, उसके बाद बीज बीज हमारे सब इकट्ठा करेंगे घी ये साधन, अथवा मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भाई भगवान के नाम मेरा माला का भी नाम छूट जाए साधन छूट जाएगा, बस इसी से क्या होता है ये हमारे अंदर संस्कार लाने के लिए, क्यों अवलंबन को लेकर के केवल मन को श्री राम उसमें दूर नहीं कर सकते, सुनिए कितना हमारे ऊपर अनुग्रह की इसी अवलंबन लेकर के जीना और निरावलंबन होकर के केवल भगवत दर्शन में जीना, ये सामान्य ऊपर से ऊपर ऊपर से मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे बोलते हैं कि साध साधन ये द्वय लक्षणस्य, एक हो गया साध और एक हो गया साधन,
ये दो प्रकार की वासना, ये पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, सत्व प्राप्त करने के लिए राज्य गति करने पर जाया में श्रेया तथा कर्म पूर्वीय वित्त में श्रेया तथा धर्म धर्म पूर्वीय, इस प्रकार से मंत्र बात पा जाए। यदि आप पुत्र रूप साधन के अंदर आप इस लोक के पुत्रेण अयम लोक को चाहिए, इसलिए पुत्र रूप साधन के अंदर आप इस लोक को विजय प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये हो गया शास्त्र, ये शास्त्र के लिए पुत्र चाहते हैं, पुत्र के लिए पत्नी चाहते हैं, प्रत्येक मरण करने के लिए अर्थ चाहते हैं, बस यही नाम करते जाते हैं। साध्य साधन किसान साध्य साधन की जो एक दो प्रकार की वस्तु उसके द्वारा लक्षित होता है मृत्यु हो, मृत्यु कौन सा विभक्ति मृत्यु हो प्रातिपदी क्या है मृत्यु बोलो षष्ठी पर, बिल्कुल सही बोला आपने। किंतु देखो उसके पहले देखो कि साध्य साधन ऐषणा दय लक्षणस्य मृत्यु, मृत्यु मतलब क्या है? हम लोग देखिए, हम लोग सोचते हैं मृत्यु मतलब स्थूल शरीर से छूटना, बच्चों का यहाँ पे बेचते का लगा रहे। जब तक ये तुम्हारा साध्य साधन भाव मन में बैठा रहेगा ना, तो तब तक मृत्यु के खेले में तुम रहोगे ही मृत्यु। ये हमारे शब्द नहीं है, वास्तव में शब्द है। क्या बोलते हैं? साध्य साधन ऐषणा दय लक्षणस्य मृत्यु, है ना। ये दो प्रकार के शरण, पुत्र शरण वित्त शरण छोड़ दिया अभी, अभी क्या है साध्य शरण साधन शरण, बाद में तो एक ही शरण, यही मृत्यु है। जब तक साधन ढूंढते रहेंगे तब तक मृत्यु के खेल में आएंगे। क्योंकि कुछ साधन क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ साध्य वस्तु की इच्छा है, इसीलिए बोलते हैं मृत्यु अतिकरण तत्व, इस मृत्यु को पार करने के लिए ऐसा समुच्चय के बारे में कथन किया गया। को अच्छी तरह से समझना, देखिए कितना स्पष्ट है डॉक्टर भगवान ईश्वर, ईश्वर सुभाष्य में आपको इतना नहीं मिलेगा स्पष्ट। इस प्रकार ब्रह्मसूत्र भाष्य में जितना सारा श्रुति का अभिप्रेत स्पष्ट होता है उतना उतना उस भाष्य में इतना नहीं मिलेगा, इस भाष्य में आपको इतना स्पष्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितना इसका अभिप्रेत क्या स्पष्ट किया हुआ है, तथापि बिना साक्ष कर्म स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य मृत्यु, एक हो गया क्या कर्म जब तक स्वाभाविक प्रवृत्ति जब तक चलते रहेंगे वो भी मृत्यु है, वो तो घटिया मृत्यु, मतलब वो क्या करता है आपको निम्न जोर मिल जाता है। और साध्य साधन मतलब शास्त्रीय साधन के द्वारा शास्त्रीय कर्म वो भी मृत्यु है, वो ऊपर के लोग मिले जाए, चाहे आपको ऊपर के लोग मिले जाए, चाहे नीचे के लोग मिले जाए, चाहे आपको सोने की एक चिड़िया को आपने सोने की जंजीर में रखा और एक चिड़िया को आपने लोहे की जंजीर में रखा, जो सोने वाला चिड़िया छुप कर चलेगा, टीटी तो दोनों ही करेगा, एक सोने की चिड़िया में क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा ही है ये भी मृत्यु रूप है ना। पहले पहले क्या किया था अविद्या मृत्यु तीर्थ, मतलब शास्त्रीय कर्म के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति को कर विजय प्राप्त हो, फिर क्या बोला था ये भी उपासना के माध्यम से, उपासना कर्म के समुच्चय माध्यम से सारा साध्य साधन भाव को छोड़ने का कोशिश। क्योंकि देखो हमने आपको बोला कि धर्म बच्चा कि वो गर्म है, हाँ गर्म है, बच्चा ही नहीं समझता है, तब हम क्या बोलते हैं ठीक है जाके देखो, जैसे ही जाकर हाथ लगा कर फिर भाग के अपने आप आ जाता है। जैसे कि घर में हमको चल गया था मेरे परिवार में छोटे छोटे दो बच्चे, बच्चों को पानी अच्छा लगता है, वो मम्मी को बोला मेरे को जल्दी कपड़ा उठा दो, जल्दी कपड़ा उठा दो, जैसे जल्दी पानी में गया चिंता में वापस आ गया, इतनी ठंडी दिन की उसके साथ नहीं हुआ। अब ऐसे क्या होता है कि हम शास्त्र भी हमारे लिए ही करते हैं, ठीक है तो इसको करके देखो, जैसे अब शास्त्रीय कर्म करने पर वो भी बंधन होता है, वो भी बंधन होता है, वो मुक्ति के लिए भावी प्रतिबंधक बन जाता है। इसको पार करने के लिए शास्त्र ने ऐसा समुच्चय, इस पाप को निकालने के लिए शास्त्र ने ऐसा समुच्चय का विधान किया है। साध्य साधन ऐषणा लक्षण से संबंध में ये देखिए, साध्य हो गया स्वर्ग आदि, साधन हो गया पुत्र आदि, केवल इतना ही नहीं गर्भ सुख सूत्र सब सब ये साधन के रूप में हम रखते हैं मजा को, इसलिए इससे जो है बिल्कुल ऊपर उठना मृत्यु के करना चाहते हैं। आए तो हमको समझ में है ना, ये दो निष्ठा, ये निष्ठांत भाव गया विद्वांश अविद्वांश, दृष्टांत भाव गया संपूर्ण से विनाशांश, ठीक है। इसको एक ही प्रकार मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु को पार करना, एवं ही देशनाद्वय रूपात मृत्यु अशुद्धे विद्युत पुरुष संस्कृत, देखिए क्यों भगवान इस प्रकार से ही
इसलिए अतः इस प्रकार की साध्य साधन लक्षण के द्वारा लक्षित होता है जो मृत्यु उस मृत्यु को मतलब इस भाव को छुड़ाने के लिए इसको करने से ये मेरी छुड़ाने के लिए मृत्यु करता देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण देवता के दर्शन अतः उपासना और कर्म का समुच्चय के द्वारा लक्षणा ही अविद्या इस प्रकार लक्षण के द्वारा लक्षित होता है क्या अविद्या भगवान की उपासना करने से ये मिल जाएगा जब तक हम मुक्त होने का प्रयास करेंगे तब तक अविद्या की अंतिम प्राप्ति तब तक अविद्या ही है क्योंकि हमने अपने पर बंधन की आरोप करके जहाँ पे बंधन का क्लेश गंध मात्र भी नहीं है वहाँ पे बंधन का आरोप करके फिर हम मुक्ति होने की कोशिश करते हैं ये सबसे बड़ा बंधन है सुनने में थोड़ा कठिन लगता है वेदांत सच्चाई तो यही अधिकारी को ऊपर उठाने के लिए ये प्रयास है सूती माता यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी में लिखिए अतः समुच्चय मुख्य अमृतत्व समुच्चय जो है ना उपासना के द्वारा आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करते हैं आप इसके द्वारा ज्ञान के द्वारा मुख्य अमृतत्व प्राप्त करते क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे विद्या शब्द करता मुख्य विद्या क्यों नहीं हो सकता ठीक है अब बताओ ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति आगे जाकर के मार्ग जांचना करेगा कि नहीं करेगा आप जो है स्तुति वाक्यों के अर्थ निकालने के लिए वहां कुछ का क्या अर्थ है तो आगे देखो स्तुति क्या कहती है स्तुति वहां पे आगे क्या कहते हैं कि हिरणमय पात्रेण सत्कुशल तत्लु अग्नेन सुपता रहा इस प्रकार मार्ग जचना करते हैं सागर तो तेरा मार्ग चिंतन करते हैं तो जहाँ मार्ग जचना होता है वहाँ पे मुख्य अमृतत्व नहीं हो सकता वहाँ पे आर्थिक शिक अमृतत्व और विद्या मतलब कर्म और विद्या की जो है समुच्चय होना संभव नहीं है हेतु स्वरूप फल विरोधात् क्या बोला क्यों समुच्चय नहीं हो सकता हेतु स्वरूप फल विरोधा ये हेतु क्या है आप जो है कि हम ज्ञान प्राप्त क्यों करना चाहते हैं फल भोग से मुक्ति के लिए और कर्म क्यों करना चाहते हैं फल भोग करने के लिए ये हेतु तो नहीं है स्वरूप क्या है एक भेद बुद्धि को बना के रखते हैं और एक भेद बुद्धि से हटा देते हैं ठीक है दोनों स्वरूप विरोधा फल क्या है एक जन्म मृत्यु में घुमाता रहता है एक जन्म मृत्यु से चुराता है तीनों विरोध है यहाँ पे हेतु भाषा का शब्द है ये इसे बात सुनने से क्लास पढ़ने में देखना हेतु स्वरूप फल विरोधा इसलिए दोनों का समस्या नहीं हो सकता
इसका समय नहीं हो सकता, चाहे वो शारीरिक कर्म हो चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो। इसीलिए आप बोलते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वतः दो नंबर समुच्चय मुख्य अमृतत्व, समुच्चय करके आप मुख्य अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त कर सकते। समुच्चय के फल मुख्य अमृतत्व किसी साधन की अपेक्षा नहीं रहता, यदि साधन की अपेक्षा रखता तो वो उसका अंदर मुख्यत्व ही नहीं रहता, वह भी गौण हो जाता, मुख्यत्व नहीं रहता। इसलिए अपने समुच्चय से मुख्य अमृतत्व तो अभिदुर का समुच्चय मुख्य अमृतत्व के हेतु नहीं होने के कारण शुरू शुरू में आपके थोड़ा मानपुर कार्य का करना थोड़ा सा कठिन लगेगा, मतलब ये नहीं होगा अच्छा होगा, परंतु कुछ दिन रहने के बाद कुछ उपनिषद पढ़ने का फिर मानपुर तब आप बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेगा उसको, इसमें थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं करो उसके पता उस समय लगता है साधन कर रहे ये करो वो करो ऐसा नियम करो, परंतु बाद में आप पत्रकारी जितना नियम के कानून के अंदर अपने को बांधेंगे ठीक है जीवन सुरक्षित होगा, परंतु वो तो एक अपने अंदर एक लिमिटेशन लाया हमने, ऐसे लिमिटेड है और उधर तो अनलिमिटेड ही था कैसे लाओगे, इसका मतलब हम दो मर्जी करो ये नहीं बोल सकते। जैसे मुक्ति मतलब ये है ये नहीं कि स्वयं विवेकानंद का कथन है जो मन में वही मैं कर सकूँ, ये मतलब मुक्ति नहीं है, जो कुछ मन में आया वो नहीं करने का जो हमारे अंदर कैपेसिटी दैट्स मुक्ति, स्वयं विवेकानंद कहते हैं। इसलिए ये तो मुख्य अमृतत्व ये है, मन में कुछ आया तुरंत करने के लिए इच्छा होता है ये तुरंत संकल्प अच्छा कर्म हूँ संकल्प फिर मन उसको रोक लिए करना सीख जाए कि नहीं ये बोले तब तो मुक्ति कानून है। श्री मंत्री का थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि जो कर रहे हो छोड़ दो, पर उसका अभिप्राय को ध्यान रखना, तो व्यक्ति जिंदगी पर जब ध्यान करता है फिर देखना उस संघर्ष से उसका अभिमान अधिक कम नहीं होना, क्यों नहीं हो रहा मैं क्यों इस काम को कर रहा हूँ ये भी मन माइंड में नहीं है, मैं कोई भी काम को मैं क्यों कर रहा हूँ इसको मन में रखना चाहिए, और उस जिसलिए मैं कर रहा हूँ उस विषय में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पा नहीं बन, तब तो हमारा ये काम ये मतलब साधन सफल होगा। जब तक उस जगह का निश्चय नहीं रहता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, यदि हमारे अंदर ये निश्चय रहे सारा साधन को छोड़ने के लिए ही मैं साधन कर रहा हूँ, तब क्या होगा आप हमेशा का साधन की लिमिटेशन दिमाग में रहेगा, फर्क धीरे धीरे साधन छोड़ता रहेगा असरा अपने शुरू से मन कर। इसलिए यहाँ मुझे मैं बोला ना देखो समझदारी ने अर्थ किया, परंतु ये कौन समझेगा कि तुम्हारा साथ समुच्चय करने के लिए कहा गया, ये सेवा सुनाश्रम में नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा समझ भगवान भाष्य का समुच्चय करने के लिए कहा गया, परंतु किसका किसके साथ समुच्चय करने जा रहा है, क्या उसका इज्जत को बढ़ाया कि घटाया, इसीलिए उसका निंदा ही हो गया, वो निंदा हो गया। जी हम बोलते हैं एवं एवेशा लक्षणा अविद्या मृत्यु अतिकीर्ण से विरक्त उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस नैंतरीय की परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति इति पूर्व भाविने अविद्या अपेक्ष पश्चात भाविने ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन एकेन पुरुषेण संबंध माना अविद्वया समुच्चीयते इति उच्यते ब्रह्मसेंद्र की देहा में एवं एव इसी प्रकार से ही तीन नंबर के मतलब कर्मणा सह उपासना समुच्चय एव इस प्रकार वहाँ पे विद्यम चा विद्यम इसी प्रकार यहाँ पे कर्म और संबंधी उपासना के बल एव ईषणा लक्षणा अविद्या है ना कि वासना के द्वारा लक्षित होता है, अविद्या जो वासना के माध्यम से लक्षित होता है, हमारे अपना अंदर अज्ञान है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, मन में जो इच्छा उठती है अविद्या कम अविद्या भाषा के शब्द अविद्या नाम पर मन में अविद्या नहीं दिखाई देता, मन में इच्छा होती है बस यही अविद्या की बोलता है। इसलिए बोलते हैं एवं एव ईषणा लक्षणा कि किसी प्रकार से ईषणा के द्वारा लक्षित होता है अविद्याया अविद्वया अविद्या के द्वारा मृत्यु अतितीर्णस्य अविद्या से मृत्यु को इस अविद्या मृत्यु को जो पार कर जाता है जो वैराग्य मान पुरुष है ना इस प्रकार वासना से ऊपर उठ करके वह विरक्त वैराग्य मान व्यक्ति का उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस्पर क्या करते हैं उपनिषद दर्शन वहाँ पे जो शास्त्रार्थ मतलब उपनिषद के भी जो शास्त्र शासनार्थ आयते हिंदू शास्त्र और अर्थ मतलब उसका विषय
ये जो उपनिषद में कहा गया जो वेदांत वेद पुरुष वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ कई बार आया भक्तम जो उपनिषदम पुरुषों के शामिल, ये जो उपनिषद में कहा कौन वेदांत जो विषय है उसको जो बोलते हैं कि विरक्त उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना पर उपनिषद में कहा गया है किस विषय का उसको लेकर के पूर्वा पर आलोचना करने वाले व्यक्ति का नाम तरह की परमात्मा एकत्व विज्ञान उत्पत्ति अव्यभिचारी रूप में निश्चित रूप में जो परमात्मा एकत्व विज्ञान उत्पत्ति होते हैं नाम तरह का तो विदाउट एनी फेल अवश्य होता ही है वैराग्यवान व्यक्ति का उपनिषद उपनिषद शास्त्र को आलोचना करने पर एकत्व बुद्धि हो जाता है शास्त्रीय अनात्व हो जाएगा नाम पर यदि परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति थी इस प्रकार से मात्र देखिए तीन नंबर टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी उपनिषद शास्त्रार्थ उपनिषद इत्यादि वेदांत श्रवणादि प्रवण से क्या हो जाएगा तो आपको कर्म से ऊपर कर दे संन्यास श्रवणम को याद केवल कहें संन्यास के बाद शिखर सूत्र छोड़ने के बाद बिताएंगे कैसे समय श्रवण विधि दशमी हमारी अवश्य भावी परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति है जीवात्मा परमात्मा का एक ही है इस प्रकार एकत्व विद्या यद्यपि यहाँ पे बोल रहे उत्पत्ति उत्पत्ति पहले जो अज्ञान था वो पहले अपने दिन कारण पूर्व अंकार दुष्यंत पूर्व नित्यतम कारण जो पूर्व भाविने भाविद्याम अपेक्ष पश्चात भाविने ब्रह्म विद्या बाद में जो आपको दिखाई दे जाता है वो पता भी नहीं है अमृतत्व साधना उस वही जो अमृतत्व के लिए साधन है एक ही न पुरुष न एक ही पुरुष के साथ हम यहाँ पे कैसा संबंध मानते हैं क्रम समुच्चय मानते हैं सह समुच्चय नहीं मानते हैं वेदांत में ज्ञान कर्म के क्रम समुच्चय मानते हैं एक पुरुष पहले ज्ञान के ऊपर अपनी प्रकृति का अनुसार चलता है तो प्रकृति के अनुसार चलता है तो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसको क्या कहते हैं वो शास्त्रीय कर्म करते हैं अब शास्त्रीय कर्म करते करते जब भोग प्राप्त करते हैं तो उसको दिखाता है देख इतना अच्छा अच्छा भोग किया फिर भी मन से भोग की तृप्ति नहीं हो रहा थोड़ा भगवान की चिंता करता है उससे थोड़ा उसको और अधिक आनंद मिलता है अब बोलता था कर्म छोड़ो तो भगवान चिंता करो फिर जो है भगवान कहाँ बैठा है जो भगवत तत्व जान लें तो वेदांत में पहुँच ये क्रम है ज्ञान का इसलिए बोलते हैं पूर्व भाविनेम अविद्याम अपेक्ष पश्चात भाविनेम ब्रह्म विद्याम अमृतत्व साधनम एक ही न पुरुष न एक ही पुरुष के साथ क्रमेण एक विशेषण पाँच नंबर के ऊपर बोलते हैं हम क्रम समुच्चय मानते हैं सह समुच्चय नहीं मानते हैं क्रमे को संबंध माना संबंध करते हुए अविद्या समुच्चयते उच्चते इसीलिए अविद्या के साथ इसका समुच्चय कहा जाता है ना मतलब ज्ञान और कर्म ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता अविद्या दशा में जो रहना संभव है उन दोनों में समुच्चय है अज्ञान दशा में जो वस्तु है उन दोनों में समुच्चय होना संभव है तो मतलब जो जिस कैटेगोरी का है उसको उस कैटेगोरी के साथ दोस्ती होना मिलकर चलना संभव है अपने बिल्कुल उल्टा कैटेगोरी के साथ मिलकर नहीं चला जा सकता व्यवहारिक जीवन में नहीं दिख रहा एक संपूर्ण भेद बुद्धि को हम मिटाना चाहते हैं और एक भेद बुद्धि को बना के रख कर दिए चाहते हैं ये दोनों में बिल्कुल भी नहीं है एक साथ एक पुरुष में कैसे रहेगा क्रम से हो सकता है क्रम से हो सकता है अतः हस्व की पूरा करते थे अतः अन्नार्थत्वात् अमृतत्व साधनम ब्रह्म विद्या अपेक्षा निंदार्थ एव भवति संभूति अपवाद इसलिए जब आप पहले भी बोल करके आया जिसकी प्रशंसा की जाती है वो विधेय है और जिसकी निंदा की जाती है वो मतलब त्याज्य है वो ग्रहणीय नहीं है इसलिए अन्नार्थत्वात् मतलब इसके अभिप्रेत अर्थ तात्पर्य का तो अर्थ भिन्न होने के कारण तात्पर्य का अर्थ क्या है पुरुष के अंदर ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जाए इसलिए बोलते हैं अन्नार्थत्वात्
अमृतत्व साधना मतलब निरपेक्ष अमृतत्व का साधन क्या है? ब्रह्म विद्या। निरपेक्ष अमृतत्व के साधन जो ब्रह्म ज्ञान होता अपनी व्यापकता की बोल अपनी व्यापकता के उसकी अपेक्षा से देखिए हमेशा बोला हमने हम जगत के मिथ्या किसके बोलते हैं? आत्मा के सत्य की अपेक्षा से जगत के मिथ्या बोलते हैं। वो ये चीज भी लोग समझ नहीं पाते वेदांत व्यवहार भी करते हैं तो फिर बोलते हैं जगत मिथ्या। बिल्कुल हम जगत मिथ्या बोलते हैं किंतु सत्य मिथ्य सब सापेक्षिक शब्द है। अच्छा बुरा सापेक्षिक शब्द है। अच्छा किसके सापेक्ष अच्छा बुरा किसके लिए बुरा किसके शब्द? इसी प्रकार से यहाँ पे है एक निरपेक्ष अमृतत्व और एक सापेक्षिक अमृतत्व। निरपेक्ष अमृतत्व की तुलना में सापेक्षिक अमृतत्व घटिया है। निरपेक्ष अमृतत्व की तुलना में सापेक्षिक अमृतत्व घटिया है। सापेक्षिक अमृतत्व उपासना का प्राप्त करने के अज्ञान की तरह निरपेक्ष अमृतत्व इसीलिए उसको जिंदा हो अमृतत्व साधन ब्रह्म विद्या अपेक्षा इसलिए अभिज्ञतत्व भिन्न होने के कारण अमृतत्व का साधन जो ब्रह्म विद्या उसकी अपेक्षा से निंदार्थवती संपूर्ति का जो वहाँ पे समुच्चय होने पर भी इस उपासना को निंदा ही होता है। तो निंदार्थवती संपूर्ति अपवाद संपूर्ति का जो अपवाद किया गया है उसका निंदा है। निंदा मतलब क्या हो गया? समुच्चय विधान को हम दिखा रहे हैं समुच्चय विधान को विचार किया गया लेकिन वो अज्ञान क्षेत्र में आपको रखेगा अज्ञान से बाहर नहीं लाएगा। इसलिए परंतु सब आप धीरे धीरे पुरुष का अंदर संस्कार आते हैं तब जाकर के वो फल उठाए संपूर्ति अपवाद निंदा थे को भगवती ठीक है ये इतना लास्ट में इतना देखना संपूर्ति अपवाद निंदा थे को भगवत संपूर्ति रखे ब्रह्म विद्या अपेक्षा है ठीक है ना। ब्रह्म विद्या की अपेक्षा से संपूर्ति का जब अपवाद और निंदा के लिए होता है जो निंदा नहीं होता है वो ये होता है। यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु अतनिष्ठत्वा यद्यपि आपने बोला कि अशुद्धि का वियोग है ना मतलब आपका जो अज्ञान वासनात्मक जो अशुद्धि है उसका वियोग के लिए ऐसा कहा जाए यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु अतनिष्ठत्वा फिर भी ये अशुद्धि मतलब अंतकरण शुद्ध करने के लिए मैं कर्म उपासना करता हूँ। अरे भाई सीधा सीधा एक चिंतन करो ना अपने कर्म अपने शुद्ध हो जाएगा अपन निष्ठत्व ब्रह्मनिष्ठ नहीं आएगा आपको इसीलिए इतना सुंदर शब्द होता है यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु आपका ज्ञान कर्म के समुच्चय अथवा विद्या कर्म विद्या विद्या के समुच्चय आपका अशुद्धि के लिए निवारण करने के लिए हेतु है सीधा सीधा आत्मचिंतन करो तत्निष्ठ हो जाओ ईश्वर निष्ठ हो जाओ एकत्र निष्ठ हो जाओ अपने आप शुद्धि हो जाएगा। अतत निष्ठत्व आत्मा तो वो जो है एकत्र निष्ठ नहीं होने के कारण वो जो है कि मुख्य अमृतत्व नहीं है। अतएव संपूर्ति अपवादा संपूर्ति आपेक्षिकम एव सत्यत्वम इति इसी क्योंकि वहाँ पे संपूर्ति का निंदा किया गया है इसीलिए संपूर्ति में आपेक्षिक सत्यत्व पारमार्थिक सत्यत्व नहीं होगा। सत्य मतलब सत्ता निरपेक्ष सत्ता नहीं है आपेक्षिक सत्ता है ये सत्य नहीं है ये सत्व है सत्व है। अतएव संभूति अपवादा संभूति का मतलब संभव रूप में भूति भवती उसका अपवादा संभूति ही आपेक्षिक सत्य आपेक्षिक सत्ता है उसका निरपेक्ष सत्ता नहीं है इसलिए वो कहते हैं परमार्थ सर आत्म एकत्वम अपेक्ष अन्य आख्य संभव प्रतिषिधते इसलिए क्या हुआ कि परमार्थ सत्य आत्मा की एकत्व उसकी अपेक्षा से क्योंकि उसी को पढ़ते क्या गया अमृत नामक जो संभव अमृत अमृतत्व के नाम से कहा जाता है जो संभव उसका निषेध किया जाता है उत्पत्ति मिथ्यात्व नामक उत्पत्ति उसमें यहाँ पर निषेध किया जाता है। पर किसकी अपेक्षा से देखिए इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आप बोलेंगे तो वेदांत मिथ्या होता है इसकी सापेक्ष से हम इसको मिथ्या बोल रहे हैं। परमार्थ सत आत्म एकत्व अपेक्ष कभी इसको छोटा नहीं कि जब हम ध्यान नहीं देते परमार्थ सत्य आत्म एकत्व उसकी अपेक्षा से ये जो है अमृता मिलता है इसलिए बोलते परमात्मा सब आत्मा एकत्व अपेक्ष अमृता संभव मिथ्या नाम होता संभव उसको निषेध किया जाता है मतलब कार्य मात्र संभव मतलब संभव रूप में भगवत कार्य उसका निषेध किया जाता है पुनः संभव नहीं है कार्य मात्र भी अर्थ दो नंबर तीन एवं माया निर्मित जीव से अविद्या प्रत्युपस्थापित अविद्या नाशे स्वभाव रूपता परमार्थतम पूर्ण जनेत। अब देखिए व्यक्ति के ऊपर आपको सत्व दिखाई दे रहा ठीक है आप क्या हो गया आप वहाँ पे जा करके आपको ज्ञान हो गया कि यहाँ पे सत्व नहीं है
अब उस सर्वपति सर्व को हम उत्पत्ति करके दिखाऊ, अब वहां पे सर्व को उत्पत्ति करके दिखाऊ। कोई कह सकते एक बार जब अधिष्ठा की ज्ञान हो जाए, एक बार किसी जगह पर मैं गया था, चिंत बना कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, कभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा सामने चित्र है। तो जिसने बनाया वो वहाँ से कौन बना, क्या बनाइए, तब मेरे को देखा दे कुछ माना, यहाँ पे एक माता अपने बच्चों को दूर मिला। उसके बाद मैं जितना बार मैं जो पहले देख रहा था, देखने का कोशिश कर रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, वही दिखाई दे रहा जो उसने देखा। भ्रांति से जो दिखाई दे रहा है वस्तु, यदि आपको एक बार वहाँ पर सच्चाई कोई दिखाई दे, फिर आप उस भ्रांति को देखिए नहीं देखेंगे, आप नहीं दिखाई देगा। ये यही आप बोलते हैं कि बोलते हैं एवं इस प्रकार से माया निमित्त से जीव से जीव भाव कहाँ से आया, माइक है जीव भाव, ये जीव भाव माइक है जीव से अभिद या प्रत्युपस्थ है, क्यों दिखाई दे रहे हमको, अज्ञान के कारण मैं अपने को जीवन के मतलब आरोप कर दिया। इसीलिए एवं माया निर्मित एव जीवस अभिद या प्रत्युपस्थ अपने को सष्टेक वचन, माया के निमित्त से जो अज्ञान, उस अज्ञान से हमारे सामने मैं अपने को ऊपर अपने आप जीवत्व को आरोप कर लिया हमने, जो हमारे शिवत्व को बाधित हो गया। बल्कि एक बार शिवत्व देखने लग जाए, मतलब मैं जन्म में रही दूँ, तब आपको जो है कभी भी शरीर नहीं दिखाई देगा, दोबारा आपका उत्पत्ति होने के बहुत बेनम चलेगा, आपको कौन पैदा करेगा फिर। ये कितना सुंदर बोलते, इसलिए एवं माया निर्मित जीवत स्विद्या प्रत्युपस्थापु से स्विद्या ना से स्वभाव रूपत्व, वो आप स्वरूप से जन्म मृत्यु से लेकर परमार्थ तो कौन वेनम जने, आप अपने आप निश्चय करने का तीनों काल में कभी पैदा हुआ ही नहीं, कल्पना ही मात्र था, पर ये स्वरूप परमार्थ परम कौन वेनम जने, फिर इसके फिर उत्पत्ति कहाँ से हो सकता है, जाते एक न जायते, तो पहले से विद्यमान है, कहाँ से उत्पन्न होगा इसका, कौन ये नम जाने, तुम्हें एक बार ये जान ज्ञान हो जाने के बाद फिर इसके जन्म पे कहाँ से हो सकता है। चार नंबर टिप्पणी अच्छा, तीन नंबर टिप्पणी एवं एवं तीन नंबर टिप्पणी संभूति अपवाद जिस प्रकार संभूति के अपवाद किया, उस प्रकार से ये माया निर्मित, माया निर्मित जो आपका जीवत्व है, जीवत्व कहाँ शुरू होता है, निरंजन वर्ष सारा निषिप्त है जीवत्व का निर्गत, तथा प्रजाता संभूति अपवादेन अद्वैत अक्षति तद्व जीव जनयित्री कारण अपवादेन विषायती भाव, मतलब जैसे गता संभूति अपवादेन संभूति का अपवाद के माध्यम से अद्वैत अक्षति अद्वैत अक्षत रह जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से तद्व जीव जनयित्री कारण अपवाद, जीव को उत्पन्न करने का जो कारण है उसी को निषेध कर दिया गया, अद्वैत का अच्छा जरूरी बना है, उत्पत्ति कुछ वैध सृष्टि का अपवाद हो गया है ना, अपवादे न अपेक्षा सामक अक्षति भाव होता है, क्षय नहीं करना विचार में स्वभाव रूपत्वा, स्वभाव रूपत्व मतलब स्वरूप शुद्ध जीव मात्र स्वरूपत्वा, मतलब स्वरूप से जीव क्या है, शुद्ध जीव मात्र है, ठीक है ना, स्वभाव रूपत्व स्वभाव स्वयं भाव स्वभाव क्या है, स्वभाव शुद्ध जीव मात्र, शुद्ध चिन्ह मात्र बोलते हैं, शुद्ध चिन्ह मात्र रूप ये इसका भी प्रकार समय होने सोचता है, कोई बात नहीं, आज कौन सा दूसरा वाला की जगह, आज लास्ट वाला दूसरा कल दूसरा वाला प्रज्ञान यज्ञानुभाषा प्रतिहतमस्त महाकार घोरे यशनौती पूर्णश्च।